الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین سامعین اسلامی یعنی قمری تاریخ آج غالباً 26 ذوالحجہ ہے اور اسلامی سال کے گنتی کے چند ایام باقی ہے اس لیے اسلامی سال کی جو انتہا ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے پر ہوتی ہے اور اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ یعنی یکم محرم خلیفہ دوم مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد علی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے جسے ہمارے لیے باقی صحابہ کی زندگی مشعل راہ ہے اور ان کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں وہیں پر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے آپ کا نام عمر آپ کے والد کا نام خطاب تھا آپ کا لقب فاروق تھا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا آپ کی کنیت ابو الحب سے
आठवीं पुश में जाकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका सिलसिले नसब मिल जाता है। उनके वालिद और वालिदा दोनों ज़माने जाहिलियत में भी मुअज्जज़ समझे जाते थे। ये घराना बाइज्जत समझा जाता था। 27 साल की उम्र में ये इस्लाम लाए, 27 साल की उम्र में मुसलमान हुए। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो उन्होंने इस्लाम की बात को फैलाना शुरू किया। बड़े बड़े किबार सहाबा इस्लाम ले आए और उसके बाद हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु भी इस्लाम लाए। उनके इस्लाम लाने का वाक़िया भी अजीब है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम उनसे पहले उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम से पहले ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के घर पे जाया करते थे और एक खुफिया दावत हुआ करती थी, यानी सहाबा को खुफिया दावत दिया करते थे। तो उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरादा किया कि इस काम को अब तमाम होना चाहिए और ये मामला ख़त्म होना चाहिए। तो उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर आए और रास्ते में एक सहाबी मिले तो कहने लगे कहाँ का इरादा है। तो उन्होंने कहा आज मैं काम तमाम करूँगा। और नऊज़ु बिल्लाह कहने लगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे से निकला हूँ। उन्होंने कहा आप उनको बाद में देखिए, पहले अपने घर की खबर लो। कहा मेरे घर में क्या हुआ है। कहा आपकी बहन फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब और आपके बहनवी सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है बंदे को अपने घर पर सबसे पहले गुस्सा आता है, तो गुस्से की हालत में पहले घर आए और अपनी बहन फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब और अपने बहनवी को मारने लगे। और उनके घर में इन दोनों हजरात को एक सहाबी कुरान मजीद की तिलावत उनको सिखा रहे थे, तो वो छुप गए। जब वो छुपे तो सईद इब्न ज़ैद सामने आए तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें मारा, खूब मारा, यहाँ तक कि उनकी बहन दरमियान में आई और कहने लगी ए मेरे भाई, आप अगर ये चाहते हैं कि हम इस कलमे को छोड़ दें तो ये आपकी भूल है। हमारी जान तो निकल जाएगी लेकिन इस कलमे को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो घर में दाखिल होने से पहले एक रिवायत के बकौल सूरह ताहा की आयात और एक रिवायत के बकौल सूरह हदीद की शुरू की आयात सुनी। उन्होंने कहा आप जो अभी मेरे आने से पहले कुछ पढ़ रहे थे मुझे भी सुनाओ ज़रा, ये क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो सहाबी जो छुपे हुए थे बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि आप गुस्ल कीजिए, उसके बाद आपको कुरान मजीद की आयात सुनाते हैं। तो उन्होंने कुरान मजीद की आयात शुरू कर दी। ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ध वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावात वमा फिल अर्ध वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى। यहाँ तक सुना तो कहने लगे मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाना चाहता हूँ, मुझे उसी वक़्त ले जाइए, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। तलवार पकड़ के नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। आप अलैहिस्सलाम ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर पर थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम ला चुके थे, मौजूद थे। दरवाज़ा खटखटाया, देखा कि उमर और एक हाथ में तलवार। सहाबी अंदर आए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कहा कि उमर और तलवार दोनों एक साथ हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अगर अच्छे इरादे से आए हैं तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं, अगर गलत इरादे से आए हैं तो उन्हीं की तलवार से उनका काम तमाम करेंगे। अंदर आए, जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़वाया, ईमान ले आए। नमाज का वक्त हुआ, ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे नमाज खड़ी करने का वक्त आया।
उमर कहने लगे नमाज को मस्जिद हराम में जाकर पढ़ी जाएगी, नमाज को बैतुल्ला में जाकर पढ़ी जाएगी। तलवार लेकर बैतुल्ला मस्जिद हराम आए और ऐलान किया, जिसको अपनी बीवियों को बेवा करना हो, अपने बच्चों को यतीम करना हो, वो उमर को आकर रोक के दिखाए। और जोहर की नमाज वहीं मस्जिद हराम में जाकर पढ़ी और अलल ऐलान उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद मैं मुसलमान हो चुका हूँ और मुसलमान आज के बाद खुल्लम खुला इबादत करेंगे, कोई रोक के दिखाए। ये उमर थे कि जिनके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक अला लिसान उमर व कल्बी, बेशक अल्लाह ने हक बात को उमर की ज़ुबान और उनके दिल पर जारी कर दिया है। ये उमर थे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर था। ये उमर थे कि जिनके बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है और हर नबी के साथ एक मुहद्दिस होता है, और अगर मेरी उम्मत का मुहद्दिस कोई है, फ़ईन यकुफ़ी उम्मती फ़ौवा उमर, तो वो उमर है। ये उमर थे कि जिनके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, जिस रास्ते पे तू चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली इब्न अबी तालिब फिल जन्ना। आपने 10 सहाबा के नाम लिए कि अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती रज़ियल्लाहु अन्हुम। आप अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में उन्हें जन्नत की बशारत दी। ये उमर थे कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक्तदौ बिल्लज़ीन मिन बादी अबू बकर व उमर, मेरे बाद जिन दो बंदों की तुम इक्तदा करो ख़ास तौर पर, वो अबू बकर और उमर हैं, इनकी इक्तदा करना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और ख्वाब में आपने ये देखा कि दूध मैं पी रहा हूँ और उस पीने के साथ मैं इतना सैराब हो रहा हूँ कि मेरी नाखूनों तक वो दूध पहुँच रहा है, और उस प्याले में से जो दूध बचा वो मैंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इसकी ताबीर क्या है? फरमाया, इसकी ताबीर इल्म है, अल्लाह आपको इल्म अता फरमाएगा। एक और ख्वाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि कुछ लोग मैंने देखे कि उनकी कमीज़ें छोटी हैं, बाज़ों की कमीज़ें नाफ तक हैं, बाज़ों की कमीज़ें सीने तक हैं और बाज़ों के सिर्फ आस्तीन हैं। मैंने उमर की कमीज़ देखी कि वो इतनी लंबी थी कि वो फ़र्श को घसीटती हुई जा रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी ताबीर पूछी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताबीर बयान फरमाई कि अल्लाह आपको दीन का बहुत बड़ा इल्म अता फरमाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आसमान खुला था, सितारे थे, फरमाया, मालूम है इस उम्मत में एक शख्स ऐसा भी है कि जिसकी नेकियाँ सितारों से भी ज़्यादा हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर बतलाइए वो कौन हैं? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर है, जिनकी नेकियाँ सितारों से भी ज़्यादा है। रोने लग गई और रोने लगी और रोने की वजह के शायद मेरे वालिद होंगे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशान ना हो, अबू बकर की गार की एक रात इन तमाम नेकियों से ज़्यादा है। ये उमर थे, अल्लाह ने उनको तकवा अता फरमाया था, और ऐसा तकवा, ऐसा डर, ऐसा खौफ कि राह चलते हुए तिनका देखते तो कहते काश मैं कोई तिनका होता। एक दफ़ा एक दुम्बा एक मेंढे को देखा तो कहने लगे काश मैं कोई मेंढा होता, इतना खौफ कि कहने लगे अगर कहा जाए क़यामत के दिन के सब के सब लोग जन्नत में जाएंगे, एक आदमी जहन्नम में जाएगा, तो कहने लगे कि मेरे अंदर इतना डर है
کہ مجھے اپنے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ وہ ایک آدمی میں نہ ہوں۔ اور پھر عرض کیا کہ اگر اللہ کا اعلان ہوا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو کہنے لگے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں شاید وہ ایک آدمی میں ہوں۔ یہی ہے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان تو خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے، کہ بندہ اللہ سے ڈرے بھی اور بندہ امید بھی رکھے۔ ایک دفعہ قرآن مجید کی آیت سورہ یوسف کی نماز میں تلاوت کی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، نماز میں تلاوت کر رہے ہیں کہ بے شک میں اپنی شکایت، میں اپنا غم، یہ سب اللہ کے آگے رکھتا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے میرے تمام غموں کو۔ تو رونے لگے، پوری مسجد میں ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنے لگے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب آنے والا ہے، کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے رونے لگے اور پوری مسجد میں ان کے رونے کی، ان کی ہچکیوں کی آواز کا آخری صف کے اندر بھی صحابہ کو آ رہی تھی۔ ایسا تقوی، ایسا ڈر اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا۔ اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں گشت فرما رہے تھے، تو مدینہ منورہ میں گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے اندر سے ایک خاتون تلاوت کر رہی تھی، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ قیامت کے دن ان کے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہوگا، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، پردہ حائل ہوگا درمیان میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر وہ سنتے سنتے روتے رہے روتے رہے، اور رونے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر ڈیڑھ مہینہ وہ اپنے گھر میں رہے بیماری میں، ایسا خوف، ایسا تقویٰ اللہ نے ان کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، کہ عدل اتنا تھا کہ ایک دفعہ بحرین اور مدائن سے کچھ مال غنیمت میں چادریں آئیں، اور وہ ایک ایک چادر مال غنیمت کی صحابہ میں تقسیم ہوئی، ان کے سمے میں ایک چادر آئی، اور اللہ نے قد بھی ان کو لمبا عطا کیا تھا، اب ایک چادر سے سوٹ بننا ناممکن۔ تو جمعے کو ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے آئے تو لوگوں نے دیکھا جو ایک چادر ہمیں دی ہوئی ہے اسی چادر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا سوٹ پہن کر آ رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہمیں آپ سے ایک شکوہ ہے۔ کیا شکوہ ہے؟ کہا یہ شکوہ ہے کہ آپ نے جو مال غنیمت میں ایک ایک چادر ہم سب کو دی ہے، اسے ایک چادر سے تو سوٹ بننا ممکن نہیں، اور آپ کا تو بالکل ممکن نہیں، تو آپ اس چادر کا سوٹ پہن کر کیسے آ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کھڑا کیا۔ کوئی اور دنیا کا حاکم ہوتا تو وہ کہتا میں بتاتا ہوں تمہیں، تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، مجھ پہ اعتراض کرتے ہو، یہ خلیفہ رسول تھے۔ اور انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ممبر پہ بتاؤ ان لوگوں کو۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بتایا کہ میرے حصے میں جو چادر آئی اور میرے والد کے حصے میں جو چادر آئے، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو ہدیہ کی اور انہی سے یہ سوٹ بنایا گیا ہے۔ اللہ نے ایسا خوف، ایسا تقویٰ ان کے اندر رکھا تھا۔ بازار میں آئے تو ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو وہ اپنا اونٹ بیچ رہے تھے۔ تو والد نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ اونٹ کہاں پہ تھا؟ کہنے لگے یہ میں نے خریدا ہوا تھا اور چند مہینوں تک ایک چراگاہ پہ تھا۔ کون سے چراگاہ پہ تھا؟ کہا سرکاری چراگاہ، بیت المال کی جو چراگاہ ہیں۔ کہا اچھا، بیت المال کی چراگاہ پہ تھا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ایسا کرو، اس اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ کہا 8000 درہم ہے۔ کہا 8000 درہم میں سے 5000 درہم بیت المال میں جمع کرو اور 3000 درہم آپ رکھو۔ تو بیٹے نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سرکاری چراگاہ میں آپ کا اونٹ چر رہا تھا، تو وہاں لوگوں نے خاص طور پہ خیال کیا ہوگا کہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کا خاص خیال کیا جائے،
तो उस ख़ास ख्याल की वजह से मैं दूसरों के हकूक़ को ज़ाया नहीं करूँगा। वो सरकारी, वो बैतुल माल लोगों की जगह है, वो लोगों की अमानत है, एक एक पाई उसके अंदर लोगों का हिस्सा है, लिहाजा वो सब का सब जमा किया जाए। एक दफ़ा बीमार हुए तो बीमार होने के बाद एक हकीम को बुलाया गया। उस हकीम ने कहा कि आपकी बीमारी का इलाज शहद के दो चम्मच है, आप शहद के दो चम्मच पी लें, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने घर पैगाम भेजा और अपनी अहलिया आतिका से पूछा कि घर में शहद है? उन्होंने कहा घर में शहद नहीं है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हकीम से कहा कि शहद ही नहीं है। वो कहने लगे हज़रत बैतुल माल में तो होगा। बैतुल माल में पूछा कहा शहद है? कहा शहद है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि बैतुल माल तो तमाम लोगों का उसमें हक है, उसमें मैं कैसे अपने लिए दो चम्मच निकाल सकता हूँ? हकीम ने कहा आपको ये दो चम्मच लेने होंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मिंबर पे आए और सब लोगों का जमा किया और जमा करने के बाद लोगों से कहने लगे कि ये हकीम, ये तबीब, मेरे लिए उन्होंने ये तजवीज़ दी कि आप शहद के दो चम्मच लें और मेरे घर में शहद को दो चम्मच नहीं है, शहद ही नहीं है। और मैंने मालूम किया बैतुल माल के अंदर है, तो बैतुल माल में आप सब का हक है, आप सब इजाज़त देंगे तो मैं लूँगा। तो तमाम के तमाम लोगों ने बयक आवाज़ इजाज़त दी। जाहिर है कि दो चम्मच क्या चीज़ थी, लेकिन तकवा और डर और खौफ का ये आलम था कि सब ने इजाज़त दी और कामिलुल मोमिनीन हमारी तरफ से इजाज़त है। और जब इजाज़त मिली तो उसके बाद बैतुल माल में से जो है वो उन्होंने बैतुल माल से शहद के दो चम्मच लिए। अल्लाह ने ऐसा खलीफा मुसलमानों को अता फरमाया। कुरान मजीद के अंदर कुल 22 मकामात ऐसे हैं कि यहाँ से उमर की बात निकली, वहाँ से अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। 22 मकामात मुहद्दिसीन ने लिखे, मुफस्सिरीन ने ऐसे हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने चाहा, अल्लाह ने उसको कुरान की मंशा बना दिया। तवाफ कर रहे थे तो तवाफ के दौरान अजरे अस्वद मकाम इब्राहिम ये जगह आई और नबी करीम अलैहिस्सलाम भी साथ थे। तो आपने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरा दिल चाहता है कि इस मकाम इब्राहिम के पीछे दो रकात नफिल नमाज पढूं। और इसकी वजह ये है कि ये वो मुक़दस मकाम है कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस जगह पे खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया कि अब तक अल्लाह ने इसके बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं किया, जैसे ही कोई हुक्म आता है तो उसके बाद फिर कोई अमल किया जाएगा। यहाँ से उमर रज़ी अल्लाह तआला की बात निकली, वहाँ से अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम के पास दो रकात नफिल नमाज पढ़ी जाए। रात का वक्त था तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जोजा निकली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने भी एक जगह मौजूद थे। एक मुनाफिक ने दूसरे को इशारा किया कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जोजा है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला को गैरत आई और फौरन उनके पास गए और कहने लगे अम्मा जान मेरी दरख्वास्त सुन लीजिए, आप जब भी घर से बाहर निकलें तो कोई ना कोई चादर पहन के निकला करें। उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं था, आप कुछ ना कुछ पहन के निकला करें ताकि मुनाफिकीन इशारे ना करें। अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की मंशा को कुरान की आयत बना दिया और इस उम्मत के लिए हुक्म बना दिया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिन व बनातिन व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफन फला युज़ैन। ए ईमान वाली औरतों, ए नबी इनसे कह दीजिए अपनी बीवियों से, ईमान वाली औरतों से, कि जब भी घर से बाहर निकलें तो पर्दे की हालत में निकलें, बेपर्दा होकर बाहर न निकलें। गज़वे बदर हुआ तो बदर की कैदियों का मामला पेश आया, 70 कैदी हुए और 70 कुफार सरदारान मारे गए। और उन कैदियों में नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चचाज़ाद भाई ये भी मौजूद थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा लिया कि इस गज़वे बदर की कैदियों के साथ क्या किया जाए। तो
अक्सरियत की ये राय थी कि इसमें से कोई ना कोई हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे करीबी हैं, तो लिहाजा और मुसलमानों को इस वक्त माल की ज़रूरत है, माल सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आए हुए हैं, तो इनसे फ़दिया लिया जाए और फ़दिया लेकर इनको रिहा किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि हर आदमी अपने रिश्तेदार को अपने हाथ से कत्ल करें कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आएंगे, इनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन थे, आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राय ली, उन्होंने भी कहा कि इन सब के साथ जो है वो फ़दिये का मामला किया जाए, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी कर दिया कि हर बंदा अपना फ़दिया दे और फ़दिया लेकर जो है वो हर बंदा रिहा होगा। इतने में देखा कि क़ुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, आप अलैहिस्सलाम से रोने की वजह मालूम की तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वजह फरमाई और फरमाया कि इस वक्त अज़ाब इन दरख्तों तक पहुँच चुका था, अगर ये फ़ैसले में हम थोड़ी सी और ताख़ीर करते तो ये अज़ाब नाजिल हो जाता और मदीना मुनव्वरा के तमाम लोगों पर ये अज़ाब नाजिल हो जाता सिवाय उमर के और सआद रज़ियल्लाहु अन्हुमा के। और फिर क़ुरान मजीद की वो आयत, मा कान लिनबिय्यिन अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्ज़, कि किसी नबी के लिए ये बात गवारा नहीं कि वो इन कैदियों को रिहा करें, अल्लाह ने हुक्म दे दिया था कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला कर दिया था, अल्लाह ने आगे इस बात की इजाज़त दी कि अब आपका फ़ैसला कबूल कर लिया जाएगा, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात को अल्लाह ने क़ुरान का हिस्सा बना दिया। ये ऐसे खलीफा थे कि अल्लाह ने उनका हुक्म पानी पर चलाया, अल्लाह ने उनका हुक्म हवाओं पर चलाया, अल्लाह ने उनका हुक्म समंदर में चलाया। मिस्र में अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे और दरियाए दजला एक साल के एक महीने में आकर बिल्कुल नीचे चला जाता था, और मिस्र के लोग एक नौजवान लड़की को ज़िमा करते और उसे दरियाए दजला में डालते, और उनका अकीदा था कि इसे दरियाए दजला में डालेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा ताकि हमारी पानी की परेशानी दूर हो जाएगी। तो अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिखा अमीरुल मोमिनीन को और इन्हें इस सूरत हाल से आगाह किया। अमीरुल मोमिनीन ने वहाँ से ख़त लिखा और कहा इस ख़त को दरिया में डाल दिया जाए, और उस ख़त के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि ए दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो फिर तो तू जानी हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता तो फिर तुम्हें हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं। हज़रत उमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने वो ख़त ज़ोर से पहले इस दरिया में डाला, 16 गज पानी थोड़ी देर के अंदर ऊपर आया। अल्लाह ने आपके हुक्म को हर चीज़ में चलाया। आज भी अगर आप मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट जाएँ तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही काले पहाड़ हैं, और ये जो काले पहाड़ हैं ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आग निकली थी, आग ये अभी तक काले हैं, और ये आग फैलती जा रही थी फैलती जा रही थी। अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा कि हज़रत आग करीब आ रही है, अमीरुल मोमिनीन ने अपनी चादर दी और कहा जाओ ये चादर उस आग पे डाल दो, ये चादर उस आग पे डाल दो। वो चादर एक सहाबी ले गए, उस आग में डाली, वो सहाबी फरमाते हैं कि ये आग सिमटती गई सिमटती गई सिमटती गई, जिस गार से ये आग निकली थी उस गार के अंदर जाकर जो है ये आग खुद ब खुद ख़त्म हुई। अल्लाह ने ऐसा खलीफा मुसलमानों को अता फरमाया था। यकम मुहर्रम से पहले 28 ज़िलहज्जा को नमाज की हालत में अबुल लुलु फिरोज़ मजूसी मलऊन ने हमला किया और एक जहर आलूदा खंजर लेकर आया, नमाज ही की हालत में आपकी नाफ के नीचे उन्होंने पहला वार किया और इसके बाद पैदर पे जो है कुछ और वार किए, आप नमाज की हालत में गिर पड़े और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि नमाज पूरी कर ले, उन्होंने नमाज पढ़ाई। अबुल लुलु फिरोज़ मजूसी भागता रहा और भागते हुए 7 सहाबा को जो उसने ज़ख्मी किया, लेकिन सहाबा की सफ़ें ऐसी होती थी कि उसे निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, ऐसी मजबूत सफ़ें थी, और आखिर में जब उसे जगह नहीं मिली
तो उसने उसी खंजर से उस मलून ने खुदकुशी की और अपने आप को मार दिया। और जैसे ही आप ज़ख्मी थे, जैसी नमाज ख़त्म हुई, तो मालूम किया कि किसने मुझे ये मारा, मुसलमान था या कोई और था। तो आपको बताया गया वो लोनों फिरोज़ मजूसी था। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और इसके बाद अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्ने उमर को बुलाया और कहने लगे, मेरा जो कर्ज़ा है पहली फुर्सत में मेरा वो कर्ज़ा अदा किया जाए। और दूसरे नंबर पर कहा कि अम्मा आयशा सुनीका रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर जाए और उनसे कहें कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन होने की इजाज़त चाहता हूँ। आयशा सुनीका रज़ी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में बेटे आए तो उन्होंने कहा कि जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, एक तरफ मेरे शोहर, एक तरफ मेरे वालिद, और मैं भी यहीं पर दफन हो जाऊंगी, लेकिन अगर उमर जी चाहते हैं तो इस जगह के सबसे बड़े हकदार वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही है। बेटे आए और अपने वालिद को खुशखबरी नहीं, तो वालिद ने कहा नहीं, उन्होंने हो सकता है हया की वजह से कहा हो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद मेरा जनाजा उस कमरे के बाहर रखना और एक दफ़ा फिर इजाज़त लेना, और अगर फिर इजाज़त दें तो उसके बाद फिर मुझे वहाँ दफनाना, वैसे ही दफनाना। जब उनका इंतकाल हुआ, शहीद हुए, तो शहादत के बाद इसी तरह उनके बेटे ने उनके घर के बाहर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे के बाहर इजाज़त चाही कि वह वालिद अपने साथियों के कदमों में आराम करने के लिए इजाज़त चाहता है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दा किया और कहा, मरहबा मरहबा, खुशामदीद उमर के लिए, ये उमर ही के लिए जगह है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मैयत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मेरे कंधे पर एक शख्स ने थपकी दी और मैंने देखा तो वो जलील अल क़दर सामीन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और वो ये कह रहे थे कि मुझे मालूम था कि इस जगह में आने वाली हस्ती तू होगी, इसलिए कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब भी सुना तो आप फरमाते थे, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, हर वक़्त आप ये नाम लिया करते थे। तो अल्लाह ने दुनिया में भी इन साथियों को एक साथ रखा और दुनिया से जाने के बाद भी इन साथियों को एक साथ रखा। आज उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कवानीन पूरी दुनिया में हैं, उमर लॉ मशहूर हैं, आपका एक एक कानून, आपका अदल इंसाफ आज पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। ताक़यामत आपका ये नाम जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सीरत पर, उनके नक्श कदम पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और सहाबा इकराम की मोहब्बत हमें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।